हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं रेखा इंस्पायरिंग स्टोरीज। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको ले चलते हैं ट्रेवल ब्लॉग पे, जिसपे हमने ताज विजिट किया है। तो आज हम आपको ताज महल दिखाने वाले हैं। देखिए, ताज महल जो है, जैसे आप सबको पता है कि वर्ल्ड्स ऑफ वंडर्स में से एक है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। तो गाइज, हम जो है यहाँ से दिल्ली से निकले थे, दिल्ली टू आगरा। ये अप्रोक्स 276 किलोमीटर्स है यहाँ से। हम बाय कार गए थे, हमें अप्रोक्स 4 and 4.5 आवर्स लग गए थे। तो गाइस देखिए, हमने जो बाय कार गए थे तो ऑब्वियस है कि थोड़ी बहुत मस्ती तो करते ही हैं सब लोग, गाना सुनना, थोड़े से ये फन, ताकि जो रास्ता है वो ईजली कट जाए और थोड़ा बोरिंग ना लगे। तो गाइस हम गए और ट्रैफिक और ओके था, बहुत ज़्यादा भी ट्रैफिक नहीं था। बस थोड़ी देर में हम देखिए यमुना एक्सप्रेस वे में आने वाले हैं। यहाँ से सीधा रास्ता है आगरा के लिए, अगर आप दिल्ली से निकलते हैं तो फिर गाइस, हाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि दिल्ली टू आगरा के बीच में आपको कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। ओनली वन मिलेगा, जो आई थिंक अप्रॉक्स 2 आवर्स के बाद है। तो गाइस, अगर आप दिल्ली से निकलते हैं तो ज़रूर अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें ले जाइए। बहुत एक्साइटेड थे, मीन्स हमने उन्हें पहले ही बता दिया था ताजमहल देखने जा रहे हैं, तो उनकी खुशी का भी बिल्कुल ठिकाना ही नहीं था। तो ये देखिए हमारे बच्चे चले गए, और फिर जो हमारे हस्बैंड हैं वो चेक इन करने की फॉर्मेलिटीज़ जो करनी पड़ती हैं वो सारी कर रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट तो एंट्री नहीं होती ना, तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीट कर रहे हैं और बस हम वेट ही कर रहे थे कि बस कब जाए, थोड़ा रेस्ट करें। फिर उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट किया, चाय पिया हमने वहाँ पर, फिर हम नाइट वॉक पर निकल गए, क्योंकि जो है ट्रैवल करके थोड़ा थक गए थे। तो ये लग रहा था कि अब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हो जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, तो हम वॉक पे निकल गए। हमारे होटल से ताजमहल का स्ट्रेट वे था, बहुत दूर नहीं था, तो हमने रात में थोड़ा सा सोचा कि एक बार देख लेते, आइडिया लगा लेते हैं कि सुबह अगर गए तो कितना टाइम लगेगा। तो बस नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग और बस हम पहुँच गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था हमें। तो अर्ली मॉर्निंग हम निकले और ये देखिए हमने एंट्री कर ली है यहाँ पर। और यहाँ गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने यहाँ पर ऑनलाइन टिकट ली थी, ताकि हमारा यहाँ पर आकर टाइम वेस्ट ना हो, लाइन में खड़े ना होना पड़े, तो हमने ऑनलाइन बुकिंग ही कर ली थी। ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और पर पर्सन 250 का चार्ज है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर ये एंट्री गेट था, काफ़ी सुंदर है, बहुत प्यारा एक व्यू देखिए आप, बहुत ही सुंदर है। बहुत क्राउड था, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। ये देखिए, हमने एंट्री कर ली है, उसके बाद जो पहला सीधा आंखों को वही दिखता है ताजमहल स्ट्रेट। तो बस वहाँ पर एंट्री करके हमने बहुत सी फ़ोटोज़ ली, क्योंकि गाइस बिना फ़ोटोज़ के तो मतलब रह ही नहीं सकते, तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ एंड ऑल सब हमारी चली रही थी। ये देखिए, अंशु थक गया था तो उसको गोद भी लेनी पड़ी, रोने लगता था वॉक करते करते। ये देखिए यहाँ पर गार्डन देखिए, बहुत सुंदर है। यहाँ पर मतलब एकदम आई कैचिंग व्यू है, आप जिधर नजर घुमाओगे बस वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि बस क्लिक कर लो, फोटोज ले लो। ग्रीनरी भी बहुत अच्छी थी, और गाइस हम मॉर्निंग में गए थे तो वेदर भी ठीक था, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था कि गर्मी लग रही है या बैठ जाएंगे थक गए। बहुत सूदिंग प्लेस है, देखिए क्राउड भी है यहाँ पर, बहुत सारे लोग आए थे, सब लोग मतलब एंजॉय कर रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, हम भी यही कर रहे थे। वेल तो देखिए यहाँ से जो एंट्री गेट से ताजमहल तक की जो वॉकिंग है वो काफ़ी लंबी है, मीन्स थोड़ा तो थक ही गए थे हम वॉक करते करते। ये देखिए यहाँ पर, ये हम ऊपर जा रहे हैं, ये पूरा मार्बल फ्लोर की जो पूरा एरिया है, यहाँ का अलग से चार्ज है गाइस 200। अगर आप नीचे नीचे ही आपको घूमना है तो ये 50 लेते हैं, अगर आपको ऊपर भी विजिट करना है तो वो पूरा 200 है, तो टोटल 250 का चार्ज है। तो ऑब्वियस है कि अगर ताजमहल देखने जा रहे हैं तो मार्बल फ्लोर की एंट्री तो ज़रूर करेंगी, ऐसा तो नहीं कि नीचे नीचे घूम के वापस आ जाए। तो ये देखिए, मैं भी यहाँ से शूट ही कर रही थी, देखो वीडियोज़ अंशु विद पापा, बहुत एंजॉय किया इसने। ये एंट्री गेट है ताजमहल के अंदर जाने का गाइस, इसके अंदर ना फोटोज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा कैमरा ऑन करके ले लूं, बट मैंने जैसे ही ऊपर देखा तो ऊपर कैमरा लगा था सीसीटीवी, तो फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया, तो अंदर का हम शूट नहीं कर पाए।
तो बस थोड़ा सा राउंड ऐसे घूम के वैसे निकल गए। यहाँ से हमने ताजमहल से एग्जिट ले ली थी। बस यहाँ से निकलने के बाद जो हालत ख़राब हुई हम सबकी, मतलब थक गए थे बहुत ज़्यादा। ऊपर से अंशु भी गोद में था तो बहुत टायर्ड टेस्ट लग रही थी। देखिए अभी भी उसको ये था कि अब मेरे को बस घर जाना है, क्योंकि बच्चे हैं थोड़ा सा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं वो। ऐसी जगह अगर जाओ इनको लेके तो थोड़ा सा ये होता है कि रिलैक्सिंग प्लेस हो, बैठ जाएं लेके, कुछ खिला पिला दें। हाँ गाइस, यहाँ पर खाना पीना बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो हम भी यहाँ से कुछ नहीं लाए थे कि बच्चों को भी एटलीस्ट खिला दे। तो ये है कि अगर आप भी जाते हैं देखने तो प्लीज़ खा पी कर जाइए, क्योंकि ऑलमोस्ट 1-2 आवर्स तो आपको लग ही जाएंगे प्रॉपरली घूमने के लिए। ये देखिए यहाँ से अब निकल चुके थे, अब फिर बच्चे परेशान कर रहे थे तो फिर हमें अब लगा कि अब निकलते हैं, देख ही लिया था सब कुछ। तो यहाँ पर अंशु है, पापा की गोद में ही घूम रहे, वो थोड़ी बहुत वॉकिंग उससे भी कराई थी। और हम इसलिए ज़्यादा थक गए थे क्योंकि हमें इसे कैरी करना पड़ रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा वॉक नहीं कर रहा था। तो बस देखिए इसकी स्ट्रेचिंग के लिए भी हमने इसे थोड़ा बहुत चला दिया, थोड़ा रन करा दिया। तो गाइस यहाँ पर जो है बहुत अच्छा लगा हमें आके। आप भी अगर आते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ आइए, और पूरी डिटेल्स आप पहले ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल रहता है कि आपको कैसे जाना है, कहाँ स्टे करना है, ऑनलाइन बुकिंग, होटल्स की बुकिंग सब कुछ अवेलेबल है। तो ये रहता है कि वहाँ जाके आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप बस एकदम वन उसमें सब कुछ कर सकते हैं, माइंड भी क्लियर रहेगा, बस पहुँचे और अपना प्रोसेसिंग फॉलो। तो बस ठीक है, यही आपके साथ शेयर करता था। और इस बार सोचा मैंने आपको थोड़ा स्टोरी से हट कर कुछ नया दूँ, तो स्टोरीज भी मेरी चलती रहेंगी साथ में, और थोड़े से ट्रेवल ब्लॉग्स भी मैं सोच रही हूँ कि अब आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूँ। तो कीप एंजॉइंग, और प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर करके बताएं कि ये मतलब कैसा लग रहा है आपको, इज़ इट फाइन और नॉट। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू।